इंजीनियर जो भी बन सकते लेकिन सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। अगर हम सेफ है तो सब हमारे लिए पॉसिबल है, अगर हम सेफ नहीं है रोड के ऊपर तो हमारे लिए हर चीज बेकार है। तो प्लीज 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 मेंटेन डिसिप्लिन ऑफ रोड्स। सो हम यहाँ पर आपको गैदर कर भी क्या है, रोड रूल्स क्या है। रोड रूल्स हमारे सब छोटे छोटे रूल्स है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है जिसके ऊपर हमको जैसा कि रोड हमको फॉलो करने के लिए जैसा सिग्नल जंप नहीं करना है। इसकी वजह से न्यू जनरेशन 15 टू 25 इयर्स के स्टूडेंट्स दे आर मेड एक्सीडेंट्स 15 टू के लिए हमारे कंट्री के लिए हमारे सबके लिए। तो पहले सबसे पहले आपको सेफ और वॉक। तो ये सब सेफ्टी वीक का मकसद ये है कि हम तो सेफ और इसके लिए हमारे बेस्ट विशेस भी है आपके साथ कि लॉन्ग 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 हेल्थी एंड सेफ्टी लाइफ के लिए हमारे बेस्ट विशेस फॉर यू। दूसरे लोगों को हम एक रोड मॉडल के तौर पे बताना है, रोड डिसिप्लिन जरूरी है। इज ऑल्सो कमिंग और वो भी आपको तब हमारे हमारे और सीनियर ऑफिसर्स भी आपके आके एड्रेस भी करेंगे और उनके सामने हमको अपना डिसिप्लिन बताना है। और इस साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो 3K वॉक जा रहा 30th नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2019 ये हमको बताना है। रिस्पेक्टेड मिस्टर अनिल कुमार आईपीएस दे आर कमिंग एंड जॉइनिंग, प्लीज वार्म वेलकम। हेलो गुड मॉर्निंग। Please clap. Are you busy? Khalil Rahman sahab, come on. Today college is over, sir. కాలేజ్ కా ఇన్ఛార్జ్ పోయి ఐక్యా బయాస్ మీ రమ్మని చెప్పండి సాత్ మే ఆప్ సబ్కు అస్సలాం అలైకుం ఔర్ నమస్కార్ యహీ మహీనే మే 4 తారీఖ్ సే లేకర్ 10 తారీఖ్ తక్ టోటల్ తెలంగాణ స్టేట్ మే 30th రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ చల్ రహా హై। इसका मतलब यह है हर इंसान जो पैदा होता सड़क पर आना चाहिए, हर कुछ काम के लिए हम रोड पे आना पड़ते हैं, मगर रोड पे आके फिर वापस घर को एक सुकून से जाना है पर रहते हैं मैं समझता हूं, मगर ये जोश जो है जान लेना नहीं, ये जोश जो है जान लेना नहीं। आप लोग देख रहे हैं आजकल टिकटॉक बोल के बहुत, मगर अपना पुराने शहर से एक बच्चा साहब का जैसा आईपीएस नहीं बन सका।
कहीं को नहीं बना, एक बार अपना दिल से सोच लीजिए, इसलिए नहीं बना। अपना जवानी आते हुए हम आसमान में उड़ रहा है, जवानी आते हुए हम आसमान में उड़ रहा है। जो दुनियादारी की बात है, जो दुनियादारी की आदत है, उसको हम जल्दी अट्रैक्ट हो जा रहा है, पढ़ाई को बाजू नहीं छोड़ दे रहे। मैं एक छोटा मिसाल बताता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेते, धूप भी तेज हो रहा है, अपन फिर वॉक करना है अपना को। मैं एक मिसाल बताता हूँ, मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, एक चार बच्चे चबूतरा में बैठकर फोन में मुब्तला है, सेल फोन में, हाँ पबजी करते, पढ़ाई पढ़ाई को क्या याद कर ले नहीं मालूम, एक टिकटॉक को, पबजी को, मंदी को, क्या भाई फुक्का को याद रखते है ना, ये चार चीजों से अपना जिंदगी बर्बाद हो जा रहा है, ये याद रख लो। आज तो मैं अल्लू ले के गाड़ी जो सेलफोन में मुब्तला है वो लोग के सामने गाड़ी रुका, रोके तो अरे कौन सी गाड़ी आके सामने रुका, फोन आया वो देख रहा नहीं, सिर्फ मुक्ति फोन में ऐसा कर ले रहा। मैं क्या कहा, हमारे ड्राइवर को बोला एक बार साइरन डाल, साइरन डाले तो उनका मूवमेंट्स देख लीजिए, मैं बता अच्छा देख लेके फिर इसमें नजर जो है फिर सेलफोन में चले गए, क्या क्या ऐसे बैठे साला अल्लू उठ गया ऐसे कहते 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 पकड़े बोले हमने पकड़ना क्या है उसको, सबक सिखाने सिखा रहा हूँ, पुलिस है हम, जो गलत कर रहा उसको सुधारना हमारा काम है। आप लोग सोच लीजिए बाद में क्या हुआ, बोल ठीक है, मतलब यह है यही वक्त चबूतरा में बैठ के रात में 1 बजे को आप सेलफोन में काम कर रहे हैं, यही वक्त माँ बाप की खिदमत में काम आप मुब्तला हो रहा है। मैं एक ही बात कह रहा हूं, इस दुनिया में माँ बाप का दुआ से बढ़ के कोई दवा नहीं है, इसलिए आप लोग पढ़कर अच्छा होकर अच्छा नौकरी की लेकर के आपका माँ बाप को सुकून दे दो, वो लोग आपके लिए नाकुल से लेके बागे पौरा तक भी आपके लिए दुआ करें। पुलिस दैट शोज दैट द फ्रेंडली पुलिस ऑफ द तेलंगाना, आई पर्सनली थैंक यू दैट द कमिश्नर पुलिस ऑफ द ट्रैफिक एज वेल एज जनाब बाबूराव साहब फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओल्ड सिटी। The thing is there, if you want to change yourself, then only there a change will be come up. You must prepare the timetable in your life. Discipline is very important. Either road, either studies, either in the house, you must maintain the discipline. It is very important for the traffic rules. You must follow the rules. You and just you have to guide the others also. Those who are illiterate, those who are not following the rules, just you teach them. Just you take them the oath today that we are going to be teach them the others person for the traffic rule. It is very important. Thank you very much, sir, for giving the time to us. Thank you very much. Traffic of Hyderabad city, entire city. हमारा ट्रैफिक में हिसाब से हम पुकारता है टाइगर साहब, अभी टाइगर। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको सलाम, सबको नमस्ते। पुराने सिटी के टाइगर तो हमारे बाबूराव साहब हैं। बाबूराव साहब अभी ट्रैफिक के इंचार्ज हैं यहाँ के, लेकिन वो ट्रैफिक के ऊपर कम बात करते हैं, बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा बात करते हैं। उनको आप लोगों से इतना प्यार मोहब्बत है कि आपको देख के वो अपना सब्जेक्ट भूल जाते हैं। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो उसका क्रेडिट भी बाबूराव साहब को जाता है। बाबूराव साहब, नागल्ला साहब, हमारे लोकल इंस्पेक्टर गौर साहब और आदिल अख्तर साहब, इन्होंने आज ये जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप बच्चों को देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आपके स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रिंसिपल एंड टीचर्स का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग
आज ये हमारे साथ कोऑपरेट करके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए आप सब बच्चों को यहाँ पे लाए। थैंक यू टू ऑल द प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल्स। आप बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप इस दूर पे खड़े हैं। और अभी हम यहाँ से वॉक करेंगे, तो जैसा कि बाबूराव साहब ने कहा कि ये हमारा चार फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक पूरे देश में, नॉट ओनली इन तेलंगाना लेकिन पूरे देश में ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है। उसी के कंटेक्स्ट में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पिछले 4-5 दिन से पूरा सिटी में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और आज ये यहाँ पे है, तो मेरी आप बच्चों लोगों से यही एक गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप लोग आज ये शपथ लेना कि जब तक आप 18 ईयर्स के नहीं होंगे तब तक आप कोई भी ड्राइविंग नहीं करेंगे, कोई स्कूटर नहीं चलाएंगे, कोई मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, कोई कार नहीं चलाएंगे। सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप 18 ईयर्स के हो जाओ। अगर आप 18 ईयर्स के नीचे कुछ ड्राइविंग करते हो तो वो कानून के खिलाफ है और उसको आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, उसके लिए आपको सजा हो सकती है। नॉट ओनली आपको लेकिन आपके पेरेंट्स को, आपके गार्डियंस को भी सजा हो सकती है। इसलिए सबसे पहले ये एक रूल है कि आप 18 ईयर्स के हो जाओ, उसके बाद ही आपको जो है वो ड्राइविंग करना है। इसके लिए भी पहले आपको लर्निंग लाइसेंस लेना है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। पूरा टेस्ट पास होने के बाद ही जो है कोई भी इंसान जो है वो ड्राइविंग कर सकता है। आपने ये शपथ देनी है कि आप माइनर ड्राइविंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे और जब भी आप ड्राइविंग करेंगे अपना मैच्योर होने के बाद, 18 ईयर्स होने के बाद, के बाद जो है पूरा ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे। जितने हमारे ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स हैं, जैसे कि अगर आप मोटरसाइकिल स्कूटर चला रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या पहनना चाहिए, हेलमेट, वेरी गुड। और अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, कार में, तो क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए। और अभी बाबूराव साहब एक बोल रहे थे कि सेल फोन पे बैठ के बच्चे कुछ करते रहते हैं रात को, तो वैसे ही आप ड्राइविंग करते वक्त सेल फोन भी यूज नहीं करना, वेरी गुड। आप सबको ये सब चीज़ें मालूम है, बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग ऑलरेडी एनलाइटेड हो। ये जो बातें हैं आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए और उनको भी बोलो कि ये सब चीज़ें फॉलो करनी। देखो बड़े दुख की बात है कि लास्ट ईयर हमारे हैदराबाद सिटी में 307 लोग ओनली रोड एक्सीडेंट में जो है वो मर गए, 307, और उसमें ऑलमोस्ट 140 वो टू व्हीलर के ड्राइव करने वाले थे। देखिए ये इतनी, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे भाई बंधु सबको ये आशा होती है कि हम ठीक ठाक वापस घर पे आएंगे, लेकिन सडनली जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका कोई रिश्तेदार या आपका बेटा बेटी कोई भी रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया है तो कितना दुख होता है। सोचो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, इतने दुख की बात होती है कि बच्चे को जो पैदा करने के बाद इतना ऊपर लाने के लिए माँ बाप इतना मेहनत करते हैं, इतना हमारे लिए रोजगार करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, हमें रोटी रोजी देते हैं। जब सडनली उनको ये न्यूज़ मिलती है कि उनका बेटा या बेटी कोई एक्सीडेंट में कुछ इंजर्ड हो गया या एक्सपायर हो गया, तो कितना दुख होता है उनको। तो हमें ऐसी जो दुख की खबर है वो हमारे घर पर नहीं पहुंचानी है। वो तभी पॉसिबल है अगर हम सब लोग मिलके जो रोड के ऊपर जो ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करें तो हम ये डेफिनेटली जो है इसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरा हमारा ये जो रहता है कि हम ये जो रोड एक्सीडेंट है तो कम करें, उसके लिए हम अपना ड्राइव करते हैं, तरह तरह के इंजीनियरिंग काम करवाते हैं और ट्रैफिक अवेयरनेस में। तो हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस से विश यू ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओ और माँ बाप को अच्छा एक रिजल्ट आके दिखाओ। थैंक यू। ट्रैफिक का रूल्स को फॉलो करूंगा, इसके बारे में हेलमेट ड्राइव नहीं करेगा, रॉन्ग एंट्री में नहीं जाएगा, सिग्नल नहीं तोड़ेगा।
आज ही अपना 30th नेशनल रोड सेफ्टी वीक के कंटेक्स्ट में हैदराबाद सिटी पुलिस ट्रैफिक पुलिस की तरफ से साउथ जोन में बच्चों में अवेयरनेस के लिए ऑन ट्रैफिक सेफ्टी एंड रोड सेफ्टी रूल्स के लिए आज ही हमने एक जो वॉक है वो ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें लगभग 20 स्कूल जो हैं साउथ जोन के वो पार्टिसिपेट किए, मोर देन 1500 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए। अच्छा रिस्पांस रहा बच्चों की तरफ से, सब लोग आए, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने बड़े हैप्पीली उसके जवाब दिए। बच्चों में ऑलरेडी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है अभी, लेकिन हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का ये एक एज ए कैंपेन जो हमने लास्ट जुलाई से शुरू किया था और इस साल अभी ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक के कंटेक्स्ट में भी ये हमारा जो कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहा है, और हमारे लोकल डीसीपी बाबूराव साहब, करनाकर एडिशनल डीसीपी और नागन्ना साहब, हमारे लोकल इंस्पेक्टर और स्कूल मैनेजमेंट के सबके साथ मिलके आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और बेसिकली हमारा मेन मकसद क्या है कि ये जो ओल्ड सिटी है, यहाँ पे बच्चों में, सब में, नॉट ओनली बच्चों बट सभी लोगों में ये एक जो ट्रैफिक जो सेफ्टी रूल्स है वो सब लोग फॉलो करें और हमारे जो हैदराबाद सिटी के जो रोड हैं उनको जो एक्सीडेंट फ्री बनाए। हमारे लास्ट ईयर हैदराबाद सिटी में अराउंड 300 डेथ्स हुए थे, तो हमारी ये कोशिश है कि हर साल ये नंबर ऑफ डेथ्स कम होते जा रहे हैं, तो हमारी आगे से कोशिश है कि ये और भी कम हो और इस तरह के जो अवेयरनेस कैंपेन है हम आगे भी चलाते रहेंगे। और मैं हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस से हर एक स्कूल मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे बड़े ही जोश से खरोश से ये जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। पेरेंट्स को मैसेज ये है कि वो जब तक उनके बच्चे जो हैं वो 18 ईयर्स के ना हो जाएं, जब तक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, तब तक वो अपने बच्चों को जो है ये स्कूटर या मोटरसाइकिल या कोई भी जो व्हीकल है वो उनको ला कर ना दें, और अगर आपके पास हैवी है तो उनको चलाने का मौका ना दें। अगर कोई ऐसा करता है तो नेचुरली MB एक्ट के अंतर्गत ये ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उसको जो वायलेशन कर रहे हैं उनको पकड़ें और उनको एज पर ला जाओ, एक्शन लिया जाए। पार्डन, ये हमारा चार मीनार से शुरू होके फलकनुमा तक जाएगा, ये ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का वॉक है ये। थैंक यू। अराउंड 20-25 स्कूल्स।